उत्तराखंड की सियासत में सनसनी इस वक्त। हरीश रावत के ट्वीट से नया ट्विस्ट, उत्तराखंड फिर अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। हरीश रावत दिल्ली चुनाव के बाद में उत्तराखंड में बीजेपी पर हरीश रावत का बड़ा आरोप है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अस्थिरता को जन्म दिया। तो हरीश रावत के एक ट्वीट की वजह से उत्तराखंड के सियासत में इस वक्त उथल पुथल की स्थिति है। हरीश रावत का बीजेपी पर आरोप, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी की तरफ टूट करके आने वाले हैं? क्योंकि जिस तरफ हरीश रावत का यह ट्वीट संकेत कर रहा है के दे रहा है कि उत्तराखंड में अस्थिरता की स्थिति बनती हुई जा रही है, तो इसके मतलब क्या होंगे? पंकज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या माना जाए, हरीश रावत के संपर्क में बीजेपी के कई सारे विधायक? नहीं, ऐसा ऐसे तो नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक बात जरूर सामने आती है, क्योंकि इन दिनों में जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है और वहां पे बीजेपी करारी हार हुई है, तो प्रदेश में जो एंटी सीएम लॉबी है वो इस बात को लेकर प्रोजेक्ट कर रही है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कई लोग दिल्ली में लगे हुए हैं। चलिए इंतजार करेंगे पंकज, बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए।